वाईदू न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए। अटूट अंग होता है, जितनी हिंदी मैं समझती हूँ पाकिस्तान में रहके, अटूट अंग तो एक ऐसा अंग होता है ना आपकी बॉडी का, ऑर्गन को आपसे कोई तोड़ नहीं सकता। अटूट अंग में बसने वाले मासूम बच्चे भी हैं, दो दो साल के बच्चों की खबरें भी हमने रिपोर्ट की, इनको पैलेट गन से उनको निशाना बनाया जाता है, उनकी बिनाई छीन ली जाती। अटूट अंग में बसने वालों के अंग अंग पर गोलियां चलाई जा सकती हैं। मोहतरमा, आप जो आपके पैनलिस्ट ने भी बोला, मुझे पहला आधा वीडियो तो मैं नहीं सुन पाया, लेकिन जो बाद में मैंने सुना वो ये आपकी राय है तारीख पर कि एक डिस्प्यूटेड मामला है, ये एक बैन अल-अक़वामी के पास जाना चाहे, आप 70 साल से वही कर रहे हैं। मेरी राय है, अगर आप अमन चाहते हो, पहली बात तो कश्मीर को आप भूल जाओ। हमारे 29 सूबे हैं, कश्मीर उनमें से एक है। लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली कश्मीर भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा रहेगा। ये आप यूनाइटेड नेशन हर साल जाते हो, कुछ हल नहीं होने वाला। अगर आपको अमन चाहिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो उनके, हमारे पास तो 500 से ज्यादा किंगडम थे 47 में, हर रूलर को ये इजाजत थी कि वो जिसके साथ चाहे वो मिल जाए। कश्मीर के रूलर ने भारत के साथ आने का फैसला किया, ये तो आप भी जानते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद आपने रेडर भेजे, तो इंटरनेशनल तो आपने इसको बनाने की कोशिश की। हाँ, हम यूनाइटेड नेशंस में गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी सीज फायर की, प्लेबिसिट की बात की थी, जो आप हमेशा करते हो, आज भी शायद करेंगे आपके पैनलिस्ट। उसकी दो शर्तें थी, पहली कि पाकिस्तान के जितने नॉन कश्मीरी हैं वो कश्मीर से बाहर चले जाए। दूसरी बात, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, भारत मिनिमम सिक्योरिटी फोर्सेज जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए चाहिए वो रख ले, बाकी पाकिस्तान की सब सिक्योरिटी फोर्सेज बाहर जाए। आपने दोनों में से एक भी शर्त को नहीं माना, तो प्लेबिसिट की तो बात उसी वक्त खत्म हो गई थी। वो यूनाइटेड नेशंस की जो रूलिंग थी वो पाकिस्तान ने नहीं मानी। अब रहे दो मुल्कों के बीच की बात, जनरल साहब आपकी तमाम बातें बड़े गौर से सुनी क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, आपकी राय बहुत कीमती है और हमने आपको सरहद पार से आपसे टाइम लिया, लेकिन सॉरी टू से आपने तमाम बातें की, आपकी बातें मैंने सुन ली, आपका मौके भी हो सकता है। आपने कहा कि आप लोग वहां जाना चाहते थे लेकिन गए तो फिर आप ही थे वहां पे यूनाइटेड नेशन में। आप मानते हैं कि जी आपके साथ वो रहना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, बैनर जो उठाकर आते हैं फिर गोलियां आप लोग क्यों चलाते हैं, क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, आप जबरदस्ती काबिज हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल ये कि आप लोग जमहूरियत का अलमबरदार कहलवा दोनों बातों में कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं या आप जबरदस्ती उनको अपने साथ रखना चाहते हैं, देयर इज अ डिफरेंस, दोनों बातों में फर्क है बकायदा। मोहतरमा, सवाल मेरे से है जी फरीद पराजा साहब, मैं जरा सब आपसे इस बात का जवाब लूंगी फरीद पराजा साहब, आप बताइएगा, फिर इनाम और नबी साहब की तरफ भी जाऊंगी। फरीद पराजा साहब आप मुझे बताइएगा, आप एक सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, आपने बाल सफेद किए, आप मुझे बताइएगा कि कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहा और आप उनको अपने साथ रखना चाह रहे हैं और आप नेशनल टीवी पर बैठ के कह रहे हैं, आपकी राय हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत मुकदम है, आपका बहुत रिगार्ड करते हैं, लेकिन जनरल साहब आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, वो नहीं रहना चाहते, दुनिया देखती है आप गोलियां बरसा बरसा के पैलेट गन का इस्तेमाल कर करके कितनी देर उनको रख लेंगे अपने साथ। सवाल मेरे से जी पराजा साहब, आपसे फरीद पराजा साहब अगर आप सुन पा रहे हैं इसी का ठीक है जी। इनामुल नबी साहब अगर आप लाइन पर मौजूद हैं, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, यही सेम सवाल कि आखिर जमहूरियत की क्या धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ ये चीज नहीं है कि आप अब सदर राज लेकर आ रहे हैं, पहले गवर्नर राज था, यानी जबरदस्ती रखा जा रहा है, जब सारे इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो, मोदी से होंगे, अब मोदी सरकार करेगी फैसले। देखिए डॉक्टर साहिबा, जो आपका सवाल है जायज सवाल है, और जिस तरह मेरे दोस्त हिंदुस्तान से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दे आर नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट एनी रेजोल्यूशन विच यूनाइटेड नेशन हैज पास्ड। मैं हैरान हूँ, एक तरफ भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप मांग रहा है, दूसरी तरफ से ये यही मुल्क
यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में रिलक्टेंट है। मैं दोबारा बात ये बात दोहराऊंगा कि यही मुल्क यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप चाहता है और यही मुल्क यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलक्टेंट है। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि एक्सेशन हुआ है भारत के साथ लोग रहना चाहते हैं, आप और मैं और ये साहिब डिसाइड ना करें, लेट देम आस्क पीपल एट वंस, कम से कम लोगों से तो पूछा जाए कि वो किन के साथ रहना चाहते हैं। अगर ये इतनी ही श्योर है कि जम्मू कश्मीर की आवाम इनके साथ रहना चाहती है तो फिर व्हाई दे आर हेजिटेटिंग, व्हाई दे आर हेजिटेटिंग इन आस्किंग पीपल विद होम दे वांट टू स्टे विद होम दे वांट टू अलाइन, वो ये क्यों फिर घबराते हैं लोगों से पूछने के लिए। फिर जहां तक ऑटो टंग की बात है, मैडम मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि ऑटो टंग होते तो 7 लाख वो यहाँ पर नहीं होती, ऑटो टंग होते तो हमारे 1200 बच्चों पर पैरेट नहीं चलते। हमें कुत्तू यहाँ तो कुत्तों को हमसे ज्यादा हुकूक है, जम्मू कश्मीर में इंसानों से ज्यादा कुत्तों को हुकूक है। कुत्ते को मारने के लिए गए थी परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आपने देखा मैसेकर के बाद किस तरह यहाँ पर सानिया के बाद एक एक सानिया होता है, पुलवामा सानिया, शोपिया सानिया, कितने सानिया में गिनवाऊ, इन्होंने एक जलियांवाला बाग देखा है, हम तो दिन में 10 जलियांवाला बाग देखते हैं। हर रोज यहाँ पर करबला जैसा समा होता है और हर शाम शामी की वजह जैसी होती है। क्या इनसे पूछे क्या कुनन पोष पूरा वाका और टूटन कहला सकता है कोई मुल्क? बोझ ने तो हमसे 13 बरस तक बेगार ली है, क्या आप उसको भी टूटन कहते? क्या आप हंदवाड़ा मैसेकर को टूटन कहते, सोपोर मैसेकर को टूटन कहते, लोकुड़ा मैसेकर को टूटन कहते, कावड़ा मैसेकर को टूटन कहते, बिजबेहरा मैसेकर को टूटन कहते? अगर मैं आपको सानिया गिनवाऊँ तो और भी हमें फिर घंटे घंटे नहीं पूरे दिन और पूरा महीना लगेगा सानिया गिनवाने में। और टूट अंग में ऐसी सानिया पेश नहीं आती। जहाँ तक प्रेसिडेंट पूल का सवाल है मैडम, डॉक्टर